लेकिन अन्ना हजारे 74 साल की उम्र में भी जोशो जुनून उनमें इतना है, इस तरह का जज्बा भरा हुआ है क्रांति के लिए कि वो हर हाल में इस आंदोलन में जोश नहीं खोना चाहते हैं। और इसीलिए चौथे दिन है भी उनका अनशन बरकरार है, चौथा दिन है ये, अन्न नहीं खाया है अन्ना ने, लेकिन आज भी उसी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अन्ना का रण है और इसके साथ अब ये जनगण का रण भी बन चुका है, क्योंकि इसमें जनता शामिल हो गई है। गणतंत्र की जनता ने आज ये दिखा दिया है कि वो अन्ना के साथ समर्थन में खड़े हैं। और ये देखिए अलग अलग जगहों पर इस बार सबसे दिलचस्प, क्योंकि जब अन्ना का ये अनशन पार्ट वन चला था, जब जंतर मंतर पे उन्होंने किया था, तो वहां पर सिर्फ एक ही जगह पर भीड़ थी, लेकिन इस बार अलग अलग जगहों पर किस तरह से भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तिहाड़ जेल में उतने ही सारे लोग थे हजारों की तादाद में, जब मायापुरी चौक वो पहुंचे तब भी उतनी ही भीड़ थी, और अब जब वो राजघाट पहुंचे हैं यहां पर भी उतने ही सारे लोगों का हुजूम मौजूद है। इंडिया गेट में भी यही हालत है, हमारे संवाददाता जो चप्पे चप्पे पर मौजूद है बता रहे हैं, और रामलीला मैदान की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही किस तरह से वहां पर भारी तादाद में लोग इस वक्त भी अन्ना हजारे का इंतजार कर रहे हैं। अन्ना ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी है, और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं अन्ना की वो तस्वीरें जब वो भागते हुए भीड़ से आगे निकले, जनता के बीच से आगे निकले, क्योंकि उन्हें अब जल्दबाजी है रामलीला मैदान पहुंचकर इस पूरे की पूरी मुहिम को, इस क्रांति यात्रा को आगे ले जाने की। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से राजघाट की, यहीं पर कुछ ही देर बाद आप देखेंगे अन्ना हजारे भागने लगे। ये देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं अन्ना हजारे किस तरह से वहां पर भागते हुए दिखे। ये अन्ना का रण है, रामलीला मैदान उन्हें पहुंचना है, राजघाट में अभी वो मौजूद हैं। जल्दबाजी इतनी अन्ना को, उन्होंने सिर्फ जल्दबाजी नहीं, भीड़ भी बहुत ज्यादा। ये देखिए किस तरह से अन्ना भागते हुए दिखे, अन्ना दौड़ते हुए, अन्ना के जोश में जरा सी भी कमी नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आगे से उन्हें रास्ता हटाते हुए दिखे, भारी बारिश भी अब शुरू होने वाली थी तो अन्ना भाग कर वहां से निकल खड़े हुए, ताकि कम से कम ये कोई दिक्कत ना हो कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं, इस वजह से लोग भीग जाएं या किसी को कोई दिक्कत आए, परेशानी आए। इस पूरी मुहिम में आप देखिए अन्ना किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह से अन्ना का ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है, सड़कों पर खड़े लोग, युवाओं को देखिए वो किस जोश के साथ लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्साह में जरा सी भी कमी नहीं आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सभी लोग अब इस जंग को आगे ले जाने के लिए बस यहां पर उठ खड़े हुए हैं। राजघाट, राजधानी का राजघाट, जहां पर अन्ना हजारे देखिए दौड़ते भागते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अचानक ही जन सैलाब पीछे बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ बारिश भी होने की आशंका बनी हुई थी लगातार। अन्ना हजारे अचानक दौड़ते भागते हुए वहां से निकल पड़े, ताकि यकीन करना मुश्किल होता है, 74 साल के शख्स हैं, लगभग 100 घंटे होने वाले हैं उनके अनशन को, लेकिन इस सबसे बिल्कुल दूर अन्ना में जोश जबरदस्त है, और उनके शरीर में वो ताकत है कि उनकी भावनाओं के साथ वो मेल खा सके। ये अन्ना का रण सिर्फ नहीं है, ये जनगण का रण भी बन चुका है। ये देखिए एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,